दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसजी फाइटोफार्मा की मेमोरिन सिरप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे इस सिरप के कंपोजिशन की, उसके बाद बात करेंगे मेमोरिन सिरप के उपयोग की, इसके साइड इफेक्ट की आदि सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, द आयुष ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेमोरिन सिरप को एसजी फाइटोफार्मा बनाती है। इसके फॉर्मुलेशन में शामिल औषधियाँ सारी की सारी आयुर्वेदिक होती हैं। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें हमें बहुत सी हर्ब मिलती हैं, जैसे इसमें मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, यष्टि मधु, सर्पगंधा, कुस्ता एवं अश्वगंधा मिलते हैं। दोस्तों इसके कंपोजिशन अश्वगंधा एवं शंखपुष्पी में न्यूरो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है। इसके कंपोजिशन मंडूकपर्णी में दिमाग को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है। मंडूकपर्णी दिमाग को ताकत प्रदान करती है एवं एकाग्रता को भी बढ़ाती है। इसके कंपोजिशन कुस्ता में हमारे मस्तिष्क की मेंटल एक्टिविटी को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों आते हैं वीडियो के मेन कंटेंट पर, और सबसे पहले हम बात करते हैं एसजी फाइटोफार्मा की मेमोरिन जो सिरप है उसके ओवरऑल यूज के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप का मुख्य उपयोग जो है वो हमारे मस्तिष्क की खोई हुई याददाश्त को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये मस्तिष्क को ताकत देती है। इसके नियमित रूप से सेवन करने पर मस्तिष्क ठीक रहता है। ये सिरप दिमाग को ताकत देने के साथ साथ मेमोरी या स्मरण शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रता को भी बढ़ाती है। ये सिर्फ खोई हुई याददाश्त को ठीक करती है, इसके अलावा ये चिंता को भी दूर करती है। मेमोरिन सिर्फ अनिद्रा या इंसोम्निया को दूर करती है। ये अनिद्रा को दूर करके मेंटल स्ट्रेस से भी बचाती है। दोस्तों मेमोरिन सिरप के मेजर यूज के अलावा इस सिरप का मुख्य उपयोग कई और जगह पर भी होता है। ये सिरप वायुमार्ग को भी ठीक रखती है। दोस्तों यद्यपि ये हर्बल प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन इसके यूज से सिर दर्द हो सकता है, इसके यूज से थकान हो सकती है, इसके यूज से चक्कर आ सकता है या फिर पेट में दर्द, पेट में एंटन होना, पेट का खराब होना आदि सब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं में मासिक चक्कर से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। दोस्तों ये सिर्फ अगर पहले आप ले रहे हो, पहले से कुछ अगर दवाइयां आपकी चल रही है, जैसे डेक्सामेथासोन है, डाइक्लोफिनाक है आदि सब चल रही हो, तो अपने डॉक्टर से जरूर बताएं, क्योंकि ये सिरप है वो नुकसान कर सकती है। इसके अलावा इस सिरप को हाई बीपी वाले पेशेंट ना लें, किडनी और हार्ट के पेशेंट भी ना लें। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट महिला को अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। इस चैनल पर कोई भी दवा खुद से लेने के लिए रिकमेंड नहीं की जाती। हमारा मकसद केवल और केवल आपको नॉलेज के पर्पज से ही जानकारी उपलब्ध करवाना है। तो दोस्तों ये सब रिव्यू था जो एसजी फाइटोफार्मा की मेमोरिन सिरप है उसके बारे में। आप देख रहे थे द आयुष ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।